तब तक शायद उस कैंसर की थर्ड स्टेज होगी जिसमें आपके पास सिर्फ कीमोथेरेपी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एक्ट्रेस पूनम पांडे जिनकी सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो गई। सर्वाइकल कैंसर। और नेक्स्ट डे खबर आती है कि अभी पूनम पांडे जिंदा है। Honestly, that's all I wanted to do. इसके पीछे का जो उनका मकसद रहा वो था कि सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जिसके सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, बट ब्रेस्ट कैंसर के बाद में ही सबसे ज्यादा जो पहले केस है वो है सर्वाइकल कैंसर के। और सर्वाइकल कैंसर को लेकर के इतनी बात क्यों हो रही है, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना बेहद ज्यादा मुश्किल है, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तब तक शायद इसकी लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कुमार, मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और आज का हमारा एक विषय है सर्वाइकल कैंसर। आखिरकार सर्वाइकल कैंसर है क्या, आपकी बॉडी में क्या इसके सिम्टम्स नजर आते हैं, आप इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। बिकॉज सबसे पहले कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज आप कि जो इसमें ट्रीटमेंट चलती है, आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी जो कि हमारे लिए एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है, बट उसमें भी कीमोथेरेपी के कितने ज्यादा साइड इफेक्ट है कि इंसान के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर को आप समझिए, सर्विक्स से होने वाला कैंसर, आपकी वजाइना और आपकी यूट्रस को कनेक्ट करने वाला आपका सर्विक्स, जिसके अंदर अनयूजुअल सेल्स की ग्रोथ हो रही है, वो ऐसी ग्रोथ है जो कि धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो रही है और वहां जाकर एक मांस का टुकड़ा बना दे रही है। अब इसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में क्या आते हैं, जैसे आपको पीरियड्स के दौरान अनयूजुअल, जो कि आपके पीरियड्स में नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, उससे ज्यादा ब्लीडिंग होना और काफी लंबे समय तक वो रहना। आप कहते हैं कि आपकी ब्लीडिंग सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए होनी चाहिए, बट आपकी ब्लीडिंग अगर 10-10 दिन, 15-15 दिन, आपको रिपीटेशन में 15 दिन के बाद ही अगर पीरियड्स आ जा रहे हैं, तो ये एक सिम्टम्स होता है आपकी बॉडी में कि वहां पर कोई ना कोई ऐसे अनयूजुअल समस्या है जो आपकी कॉमन नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि एक पीरियड्स का इशू हो सकता है, नहीं, ये एक पीरियड्स का इशू नहीं है, आपको इसके लिए कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। सेकेंड वन, कि आप जब भी इंटरकोर्स करते हैं आप कहते हैं कि मुझे ज्यादा पेन होता है या आपको उस दौरान भी ब्लीडिंग होती है, तो ये एक दूसरा कारण हो सकता है। कुछ महिलाओं में मेनोपॉज यानी एक उम्र के बाद में जब वो 35 या 40 प्लस हो जाती हैं, तो उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। पीरियड्स बंद होने के बाद में भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो भी ये एक सिम्टम्स आपकी बॉडी में है कि आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ आपके शरीर के साथ में है। अब इसका जो कारण है वो है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अभी वायरस आता कहां से है, काफी सारी ऐसी STDs हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनके साथ में ये वायरस पैदा होता है। तो हम जब कहते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, बिकॉज आपको नॉर्मल पीरियड्स का इशू है या फिर आपको सर्वाइकल कैंसर के ही सिम्टम से, आप खुद इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। आप जब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तब तक शायद उस कैंसर की थर्ड स्टेज होगी जिसमें आपके पास सिर्फ कीमोथेरेपी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको डॉक्टर सीधा कह देंगे कि इसमें आप कीमोथेरेपी स्टार्ट कराएं, आप कराते रहेंगे। आपको भी पता है, आपके डॉक्टर को भी पता है कि कीमोथेरेपी के क्या रिजल्ट होते हैं। इसके लिए आपका जो HPV वैक्सीन है आप उसको पहले से ही लगवा लें, ताकि इस तरह की जो STDs और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जो आपको सर्वाइकल कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है वो शायद कम हो जाए। आप सभी का ये काम है कि ये वीडियो लोगों के सभी के साथ में आप शेयर कर दें। आपके जो भी प्रश्न रहते हैं HPV को लेकर के, सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। आप अगर मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ में आप लोगों को सबसे पहले मिले।